क्या बिग बॉस के घर में आती ही भाई यहाँ पर तो सबसे पहली लड़ाई बच गई है। आखिर क्या हुआ है ऐसा और क्यों मुनव्वर फरूकी को जो है कन्फेशन रूम में बुलाया गया है? क्यों मुनव्वर ने आते ही दिखा दिया है कि भाई क्यों उनको कहा जाता है मास्टरमाइंड? आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी खबर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांत। आपको बता दें कि भाई मुनव्वर फरूकी के आने की वजह से ऐसा लग रहा है कि इस बिग बॉस में थोड़ी सी जान तो आई है, क्योंकि जितने भी कंटेस्टेंट्स बुलाए गए हैं सब कहीं ना कहीं या तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं या थोड़े पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन बहुत मायनों में अगर देखा जाए तो भाई एक होता है ना ऑडियंस के बीच में जिसकी पॉपुलैरिटी इसका बोलबाला है, इस सीजन में अगर देखा जाए तो वो नाम मुनव्वर फरूकी लग रहे हैं ओवरऑल, क्योंकि प्रॉमिसिंग कंटेस्टेंट नज़र आ रहे हैं। ऑलरेडी एक रियलिटी शो जीत चुके हैं, एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है कि कैसे रियलिटी शो को खेला जाता है, किस मोमेंट पे कैसे किस सिचुएशन को टैकल करना चाहिए। तो जैसे बिग बॉस के घर में पहुंचे मुनव्वर, सबसे पहले जो कंटेस्टेंट थी मनारा पहुंची थी बिग बॉस के घर में, तो उनको जो है बिग बॉस ने एक दारमदार सौंपा था उनके कंधों पर कि आप सबको बताएंगी कि उनको कौन सा कमरा चूज करना, वो सारी चीज़ें। जिसके बाद मुनव्वर जो है भाई ऑलरेडी लॉकअप खेल के आए तो जानते हैं शातिरपना क्या होता है, तो यहाँ पर उन्होंने मनारा को सैटरडे मना कर दिया कि मैं आपके बोलने से चूज़ करूँगा क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई गेम है। जिसके बाद भाई ना मानते हुए बात सीधे सीधे बिग बॉस ने मुनव्वर और मनारा दोनों को बिग बॉस के कन्फेशन रूम में बुलाया है और वहाँ पर इन दोनों में थोड़ी बहुत बोलते हैं ना खट्टी मिट्टी नोकझोंक हमको देखने को मिल रही है, जहाँ पर मुनव्वर जो है वो सीधे सीधे एक बात कहते हैं कि अगर बिग बॉस बोलेंगे मुझे मैं रूम चेंज कर दूंगा, लेकिन मनारा का ये मानना है कि मुनव्वर जो है वो इस बात पर फुटेज ले रहे हैं और इसी वजह से वो चाहते थे मुनव्वर चाहते थे कि बिग बॉस उनको खुद बोले कि उनको भी थोड़ी फुटेज मिल जाए। भाई फिलहाल इस पर आपकी क्या राय और इन दोनों का बॉन्ड आगे चल के कैसा होगा हमें ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।